अस्सलामुअलैकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म ऑफ हार्ट एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक दिल कब मेरे बच्चे सुकड़ता है और कैसे वो एक्साइट होता है, ये आज का टॉपिक है। बड़ा आसान और सिंपल सा टॉपिक है और ये आपको पता है ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर है जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो उसका मेरे बच्चे टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हार्ट एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। दिल कैसे सुकड़ता है और कैसे एक्साइट होता है, ये आज का हमारा टॉपिक है। ये बड़ा एक हार्ट की मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया और इस दिल के अंदर कुछ नोड्स होते हैं और जो सबसे पहला नोड होता है उसका नाम है SA नोड है, जिसको साइनो आर्ट्रियल नोड कहा जाता है। एक नोड है जिसका नाम है AV नोड, जिसको आर्ट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड कहा जाता है। सबसे पहला नोड जो एट्रियम से ऊपर की तरफ होता है, एट्रियम के अपर साइड पर होता है, वो SA नोड है। और उसके बाद जो नोड आता है उसका नाम AV नोड है। AV नोड के बाद कुछ फाइबर्स आते हैं जिसको कहते हैं एक्साइटेबल फाइबर्स हैं, जिनकी लोकेशन है ये आप देख सकते हैं, ये लोकेशन है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो वेंट्रिकल है इसके अंदर जो गैप आता है, इस गैप के अंदर जो होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, उसका नाम एक्साइटेबल फाइबर्स हैं। ये जो नोड्स हैं ना, जो नोड्स हैं, जो SA नोड है, इसका मेन रोल होता है हार्ट को एक्साइट करवाने में और कॉन्ट्रैक्शन करवाने में। SA नोड बेसिकली अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल डिस्चार्ज करता है जिसको हम नर्व इंपल्स करते हैं, और वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल नर्व इंपल्स आगे मूव करती है AV नोड के पास चले जाती है। जब यहां से यहां तक जाती है AV नोड तक, उस दौरान दोनों जो एट्रियम वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी तरह वो जो सिग्नल है जो AV नोड से आगे एक्साइटेबल फाइबर्स की तरफ जाते हैं, और एक्साइटेबल फाइबर्स की तरफ जब चले जाते हैं तो एक्साइटेबल फाइबर्स पूरे दिल के अंदर जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम वहां पर स्प्रेड है, तो यहां पर जब ये AV नोड से चले जाते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो मेरे बच्चे दोनों जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं अगेन बोल रहा हूँ, SA नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब AV नोड तक चले जाते हैं, तो AV नोड तक पहुँचने के बाद दोनों जो एट्रियम है वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब एक्साइटेबल फाइबर्स तक चले जाते हैं वो स्प्रेड कर जाते हैं पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स के इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर, तो मेरे बच्चे जो वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जो SA नोड है इसी का काम होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिस्चार्ज करना, नर्व इंपल्स को बनाना है। सबसे मेन जो नोड होता है एक्साइटेशन या कॉन्ट्रैक्शन के अंदर दिल की, मेरे बच्चे उस नोड का नाम है SA नोड, जिसका नाम है साइनो आर्ट्रियल नोड है। एक नोड होता है AV नोड, जिसका नाम है आर्ट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड है, और आगे जो फाइबर्स है उसका नाम क्या, एक्साइटेबल फाइबर्स हैं। तो SA नोड के बारे में पहले हम देखेंगे इसकी लोकेशन के लिहाज से, ये अपर एंड ऑफ राइट एट्रियम, जो राइट एट्रियम है उसके अपर एंड के ऊपर ये नजर आता है आपको। फंक्शन के लिहाज से इसका काम होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को सेंड करना आर्ट्रियल मसल, पूरे आर्ट्रिया के अंदर मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट उसको सेंड करना, फिर कोज करवाना आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट करवाना। जो एटीएम की कॉन्ट्रैक्शन है उसी दौरान होती है जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स आती है, और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स कौन सेंड करता है, बड़ा उसका नाम है SA नोड है। जबकि SA नोड को खुद को देखा जाए, खुद किससे मिलकर बनता है, तो पता लगा कि SA नोड इसके अंदर स्मॉल नंबर कार्डिक फाइबर्स होते हैं, और जो कार्डिक फाइबर्स है उसके अंदर जो कुछ चीज़ें होती हैं उसका नाम है मायोफिब्रिल्स हैं, और कुछ नर्व एंडिंग्स होती हैं, और वो जो नर्व एंडिंग्स है वो नर्व एंडिंग्स है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ अटैच होती हैं। आपको पता है दिल की जो धड़कन है आप खुद देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है आपके अंडर कंट्रोल में नहीं है, ये खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, खुद ब खुद रिलैक्स हो रहा है। तो इसका मतलब इसको जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है उसका नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, और वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो नर्व एंडिंग्स हैं वो किसके पास मौजूद होती हैं, SA नोड के पास मौजूद होती हैं, और कुछ मायोफिब्रिल्स मसल के जो फिब्रिल्स होते हैं वो भी बड़े किसके पास है, SA नोड के पास है। मगर ये दोनों चीज़ें जिसके अंदर नजर आती है बड़ा उसका नाम है कार्डिक फाइबर्स होती हैं। अब SA नोड के बाद जो अगला नोड आता है उसका नाम है AV नोड, जो कि कंडक्ट करेगा, रिसीव करेगा नर्व इंपल्स को, जो कि किसने सेंड किया बेटा, SA नोड ने। जैसे नर्व इंपल्स यहाँ से AV नोड तक चले जाएगी, तो AV नोड जब कंडक्ट कर लेगा उस दौरान ये सारी नर्व इंपल्स यहाँ से मूव करके यहाँ पे आएगी, और पूरा के पूरा जो दोनों एट्रियम है वो बेटा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। फिर इसी तरह AV नोड से नर्व इंपल्स आगे मूव करेगी, जब वो आगे की तरफ चले जाएगी एक्साइटेबल फाइबर्स तक, तो मेरे बच्चे ये दोनों वेंट्रिकल्स भी बेटा क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहां पे मैं पाथवे बताता चलूं कि पाथवे के अगर लिहाज से देखा जाए तो जो इंपल्स है वो SA नोड से ट्रेवल करती हुई मस्क्यूलेचर ऑफ द एटीएम टू द AV नोड, तो वो SA नोड से पूरे का पूरा एट्रियम से घूमती घूमती कहाँ चलेगी, AV नोड तक चलेगी नर्व इंपल्स। उस दौरान मेरे बच्चे जो दोनों एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब आ जाते हैं AV नोड। तो बेटा AV नोड जैसे मैंने आपको बताया, AV नोड के बाद आगे जो फाइबर्स आते हैं उसका नाम है एक्साइटेबल फाइबर्स। ये जो एक्साइटेबल फाइबर्स हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे बच्चे यहाँ पर ये जो दोनों एट्रियम वेंट्रिकल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम ज़रा,
के ए वी नॉट जो बंडल्स और फाइबर्स हैं ये प्रोपागेट करेंगे, स्प्रेड करेंगे किसको बेटा, रेगुलेटरी इम्पल्स को। ये जो ए वी नॉट से ए वी नॉट बंडल और मसल्स फाइबर्स हैं ये आगे स्प्रेड कर रहे हैं रेगुलेटरी मसल्स को, किसके थ्रू मेरे बच्चे, एक्साइटेबल फाइबर्स के जरिए से। कहाँ पे मेरे बच्चे स्प्रेड कर रहे हैं, कहाँ पे ये नर्व इम्पल्स को भेज रहे हैं, कहाँ पे ये मेरे बच्चे प्रोपागेट कर रहे हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये मेरे बच्चे जो खाली जगह मैंने बताई है ये वाली जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम दो वेंट्रिकल के दरमियान गैप है और ये जो नीचे खाली स्पेस है यहाँ पे मेरे बच्चे नर्व इंपल्स को स्प्रेड किया जा रहा है टू द मायोकार्डियम ऑफ द वेंट्रिकल्स। और मेरे बच्चे जब वहाँ तक पहुँच जाएगा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम तक पहुँच जाएगा तो वेंट्रिकल्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब एस ए नोड से ए वी नोड तक अगर यहाँ से नर्व इंपल्स यहाँ तक जाती है तो टोटल जो टाइम ड्यूरेशन लगता है वो 0.15 सेकेंड लगते हैं। 0.15 सेकेंड इसलिए लगते हैं ताकि एस ए नोड मुकम्मल तौर पर सिस्टोल हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। जब यहाँ तक पहुँच जाए फिर जाकर ए वी नॉट सिस्टोल होगा, ना कि पहले ये सिस्टोल हो जाएगा। मतलब कि एट्रियम के फुल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद मेरे बच्चे जब ब्लड ए वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा तो फिर वेंट्रिकल मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। ये जो गड़बड़ है ना, इस गड़बड़ से बचने के लिए एस ए नॉट से ए वी नॉट तक मेरे बच्चे जो नर्व इम्पल्स है उसका डिले टाइम होता है वो कितना, 0.15 सेकेंड है। अगर इसमें कोई काम खराब हो जाए, आगे पीछे आ जाए तो मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्शन में गड़बड़ हो जाती है। तो एस ए नोड से ए वी नोड तक जो टाइम ड्यूरेशन लगता है 0.15 सेकेंड लगते हैं ताकि एट्रियल मुकम्मल तौर पे सिस्टोल हो जाए, कंप्लीट तौर पे सुकड़ जाए, फिर जाके सुकड़ने के बाद जब इतना टाइम ड्यूरेशन गुजर जाएगा फिर वेंट्रिकल की बारी आ जाएगी, वो मुकम्मल तौर पर क्या हो जाए बेटा, सिस्टोल हो जाए। तो इस टॉपिक का नाम है बेटा मैकेनिज्म ऑफ हार्ट एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।